नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो थर्ड टेस्ट मैच खेला गया था सिडनी ग्राउंड में, वहाँ से आप कुछ लर्निंग्स ले सकते हो। दोस्तों, जब 4 डे का प्ले ख़त्म हुआ था उस समय इंडियन टीम को कोई चांस नहीं दे रहा था। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इंडियन टीम बुरी तरीके से मैच हारेगी, 200 रन भी नहीं बना पाएगी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स को स्लेज कर रहे थे, वहाँ के दर्शक इंडियन टीम के प्लेयर्स के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। इसके अलावा इंडियन प्लेयर्स काफ़ी इंजर्ड भी थे। ऋषभ पंत को कोहनी में चोट थी, अश्विन के बैक में इंजरी थी, रविंद्र जडेजा का अंगूठा फ्रैक्चर था। इसके अलावा हनुमान विहारी को हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, जिसके कारण वो दौड़ भी नहीं सकते थे। इन प्लेयर्स के पास में चॉइस थी दोस्तों, ये रिटायर्ड हर्ट हो सकते थे, क्योंकि वैसे भी इंडियन टीम के जीतने के चांसेस थे नहीं। बट इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, इन सारी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद भी, ये प्लेयर्स खेले और ऐसा खेले कि एक टाइम के लिए इंडियन टीम विनिंग पोजीशन पर आ गई, जब तक पंत और पुजारा खेल रहे थे। यहाँ से बड़ी कमाल की आप लर्निंग ले सकते हो। डोंट लेट योर सेल्फ डाउन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट यू, डोंट लेट योर सेल्फ डाउन बाय द नेगेटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि आपके बारे में कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं, आप हर्ट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। दोस्तों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी लाइफ में क्या होता है कि कुछ रॉन्ग पैटर्न्स बन जाते हैं, कुछ राइट पैटर्न्स बन जाते हैं। बट रॉन्ग पैटर्न्स के कारण क्या होता है, हम अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं। आप कोशिश कीजिए कि अपने उन रॉन्ग पैटर्न्स को अपनी लाइफ से हटाइए और राइट पैटर्न्स को अपनी लाइफ में लाइए। और ये आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि मुझे अपनी लाइफ में राइट पैटर्न्स को लाना है, जिसके कारण मेरी लाइफ अच्छी हो। आप आज आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके लाइफ में कौन कौन से रॉन्ग पैटर्न्स हैं जिनके कारण आप लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। जो दूसरी लर्निंग आप ले सकते हो दोस्तों, वो ये है कि एन्जॉय द प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द आउटकम। दोस्तों, हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप जॉब कर रहे होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। कोशिश कीजिए आप प्रोसेस को एंजॉय करें। ये दोनों बातें दोस्तों लिंक्ड हैं। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो आपका नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं होता है, और जब आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं तो छोटी छोटी बातों की तरफ आपका ध्यान होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, आप परेशान हो गए, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, आप डिमोटिवेट हो गए। जब आप प्रोसेस एंजॉय करते हैं तो बड़ी कुछ कमाल की चीज़ होती है। आपका डेली बहुत अच्छे से बीत रहा होता है, डेली इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, और इम्प्रूवमेंट से दोस्तों ग्रोथ और सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते तो आपका छोटी छोटी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो आपके आसपास हो रही होती हैं, उनकी तरफ ध्यान होता है, आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो ग्रोथ नहीं होती है, और सक्सेस के चांसेस भी बहुत कम है। अक्सर दोस्तों हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज में हमें ये सिखाया जाता है कि उतने परसेंटेज हासिल कीजिए, वो प्रमोशन लीजिए, उतनी सैलरी हासिल कीजिए। तो ये नहीं सिखाया जा रहा दोस्तों कि प्रोसेस को एंजॉय कैसे करें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, प्रोसेस को एंजॉय करना। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में हमें ये सिखाया जाता है कि जीतना है जीतना है। दोस्तों, जीतना और हारना मायने नहीं रखता, अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो। हमेशा अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आपके लाइफ में। कि अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलिए, अगर चल नहीं पा रहे हो तो रेंगिए दोस्तों। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। आज आप अपने आप से वादा करिए कि ना रुकूंगा कभी, ना थकूंगा कभी, मुझे है बस चलते जाना चलते जाना। इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिए दोस्तों। कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, जब तक आप अपनी लाइफ में उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, रिजल्ट तभी मिलेगा दोस्तों। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी लाइफ में जो भी रॉन्ग पैटर्न्स बने हुए हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर वीडियो बना के आपके उन प्रॉब्लम्स का समाधान दे पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।